बच्चों, हमने वो तो लास्ट क्लास में आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। इसमें होता दो द्रव्यमान M1 और M2 थे, इनके बीच की दूरी R के मान के बराबर थी। ठीक, तो इनके बीच में लगने वाला बल F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के मान के बराबर होता है। इतना न्यूटन यहाँ पर हमने बल को। आज हम यहाँ पर गुरुत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रख लीजिए, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल जो किसी अन्य द्रव्यमान पर लगाया जाता है तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हमारे पास अगर कोई दो वस्तुओं की जगह या कोई दो द्रव्यमान की जगह अगर पृथ्वी और कोई अन्य वस्तु का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी उसके ऊपर जो बल लगाती है उस बल को अभी अपन क्या नाम देने लगते हैं? गुरुत्व नाम देने लगते हैं। यानी पृथ्वी के लिए इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर वो तो देखिए, मैं यहाँ पर एक संबंध लेके तो चलता हूँ, कैपिटल जी एवं स्मॉल जी ने संबंध, ये इस पूरे यूनिट का बेस बनाता है और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर और इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। ठीक, इसके ऊपर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु हमने रखी हुई है। ठीक, तो पृथ्वी के तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार है ना, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के अनुसार दोनों के बीच में लगने वाला बल F बराबर जी M1, M1 की जगह पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M ले लीजिए और M2 की जगह वस्तु का द्रव्यमान M ले लीजिए। क्योंकि यह पृथ्वी के ऊपर रखी है, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी कैपिटल R क्या ले लीजिए। किंतु आपको मालूम है, ध्यान रख लीजिएगा, बल F बराबर कितने के होता है? M इंटू जी के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अब लगने वाला बल जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है F इक्वल टू एम जी, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। मेरे पास क्या निकलेगा? समीकरण एक एवं दो से आप क्या निकाल सकते हो? दोनों बराबर होंगे, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम इंटू, यहां पर कितना जाएगा? देखिए, समीकरण एक एवं से
स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू बी, दोनों बल न्यूमेरिकली या संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे, स्मॉल एम कैंसिल, इसलिए स्मॉल जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन आता है। और जो आप जी की वैल्यू कई बार पढ़ते हैं, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, वो यहाँ से आती है, कैपिटल जी की वैल्यू रखिए, पृथ्वी के द्रव्यमान का मान रखिए और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर रखिए, तो जी इक्वल टू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी मेरे पास क्या कहलाता है, ये मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और कैपिटल जी क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे पास ये मालूम है कि जी का मान पृथ्वी पर जी पर मान नहीं होता है, इसका मान बदलता है, ठीक है। तो ये चार प्रकार से होता बदलता है, नंबर वन पृथ्वी के आकार के कारण, आकार के कारण, दूसरा ऊंचाई पर, तीसरा गहराई पर और चौथा पृथ्वी के घूर्णन पर। इसका मान कैसा होता है, लगातार बदलता रहता है, तो इन्हीं को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नंबर एक है पृथ्वी के आकार आकार के कारण, तो आप देखिए पृथ्वी आपको मालूम है कि पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, बल्कि का शेप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। यहां पर ये ध्रुव है और ये सेंटर पॉइंट है, ये कैसी है, भूमध्य रेखा। ध्रुव से पृथ्वी के केंद्र की दूरी को आरपी से और इसकी दूरी को मैं आरई से शो कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे को ये मालूम है कि पृथ्वी के ये बल्ग यानी बीच वाला पार्ट विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वाला पार्ट बड़ा है, इसलिए आर ई बड़ा होगा आर पी से। तो नंबर वन देखिए, ध्रुवों पर जी का मान, वहां पर जी के मान को हम ऐसा कर लें, जी इक्वल टू वही संबंध, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर से अपॉन आर टी स्क्वायर समीकरण एक कर दीजिए। इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर जी का मान जी हो गया, दूसरा नंबर अपन ले लें, बराबर डी एम अपॉन आर पी की जगह आर ई होल स्क्वायर समीकरण नंबर 2 के मान के बराबर आ जाएगा। अब आप देखिए यहां पर आर ई बड़ा है आर पी से, चूंकि आर ई बड़ा है आर पी से, अर्थात जिसका हर बड़ा होता है वो क्वांटिटी छोटी हो जाती है, जिसका हर छोटा है वो क्वांटिटी बड़ी हो जाती है। यहां पर आर ई बड़ा है आर पी से, तो ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर मैं इसको लेकर चलूं तो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि आर ई बड़ा है आर पी से इसलिए जी पी बड़ा होगा ई से, इसलिए ध्रुवों पर जी का मान विषु वत रेखा से ज्यादा होगा, ठीक है? इसलिए ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा से ज्यादा होता है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको कॉपी में जरूर करिए।